लेट्स स्टार्ट आवर क्लास क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर दिया था एंड उसका बुक और कॉपी वर्क भी कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नेम है लुईस पाश्चर। तो आज हम लोग चैप्टर 9 लुईस पाश्चर के बारे में पढ़ेंगे कि लुईस पाश्चर कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, इट इज हार्ड वर्क डन बाय सम ग्रेट पीपल दैट इज वर्ल्ड हैज बिकम बेटर प्लेस टू लाइव। लुईस पाश्चर 1822 to 1875 इज वन ऑफ दोज हुज कंट्रीब्यूशन इन मेडिकल साइंस मेड इट पॉसिबल टू ट्रीट मैनी डिजीजेज। लुईस पाश्चर जो थे वो एक केमिस्ट थे। लुईस पाश्चर और ये फ्रेंच के रहने वाले थे और इन्होंने बहुत सारे डिजीज से बचने के लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। इनका जन्म जो था 1822 में हुआ था और ये 1875 में इनकी डेड हो गई थी। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था। लुईस पाश्चर वाज अ फ्रेंच केमिस्ट। लुईस पाश्चर जो थे वो फ्रेंच के केमिस्ट थे। ही फाउंड द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने साइंस के माइक्रोबायोलॉजी को फाउंड किया था। ही डिस्कवर्ड दैट मोस्ट फैमिलियर डिजीज वर कॉज्ड बाय जर्म्स। उन्होंने यह डिस्कवर किया था, उन्होंने यह पता लगाया कि बहुत सारे जो फैमिलियर डिजीज होते हैं उनका कारण जर्म्स होता है। ये जर्म्स के कारण होते हैं, बहुत सारे जो फैमिलियर डिजीज होते हैं वो जर्म्स के कारण होते हैं। ही वाज अ ग्रेटली डेडिकेटेड टू हिज वर्क एक्सपेरिमेंट। और इस वो अपने वर्क और एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही उन्हें उनके वर्क और एक्सपेरिमेंट के लिए डेडिकेट किया गया। मैनी एंटीडोट्स आर पॉपुलर अबाउट हिम। बहुत सारे एंटीडोट्स उनके बारे में बहुत सारे एंटीडोट्स पॉपुलर हैं। वी शैल रीड ओनली अ फ्यू ऑफ देम। यहाँ इस चैप्टर में हम लोग इनके बारे में बहुत कम ही स्टडी करेंगे, बहुत कम ही जान पाएंगे। पाश्चर वाज द सन ऑफ अ पुअर टैनर। पाश्चर जो थे एक पुअर टैनर के सन थे, एक पुअर टैनर के बेटे थे। ही हैड टू फेस अ ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी टू स्टडी फॉर हिज डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री। और लुईस पाश्चर जो थे एक पुअर टैनर के बेटे होने के कारण वो केमिस्ट्री में अपने डॉक्टरेट के लिए स्टडी करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल डिफिकल्टी का भी सामना करना पड़ा। ही हैड रेशन हिज फूड एंड फायर वुड टू द ब्रिस्ट लेवल पॉसिबल। इन दिस ही हैड टू अंडरगो पैंग्स ऑफ हंगर क्वाइट ऑफन ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर्स। ही वॉज वंस्ट आस्क्ड हाउ कुड यू हैव गोन ऑन लाइक दैट। और उन्हें अपने फूड एंड फायरवुड को ब्रिस्ट लेवल तक राशन करना पड़ा। उसमें उन्हें कई बार पैंग्स ऑफ हंगर यानी कि भूख की पीड़ा से भी गुजरना पड़ा। कुछ टाइम बाद उनसे एक बार पूछा गया आप इस तरह कैसे जा सकते हैं, आप इस तरह कैसे रह सकते हैं। नोट हिज रिप्लाई, उनके रिप्लाई को देखिए कि वो क्या बोलते हैं। ही सैड फॉर्चुनेटली आई आल्सो गॉट हेडेक्स क्वाइट ऑफन सो वन पेन कैंसल्ड आउट द अदर। लोगों ने उनसे पूछा कि आप भूख के जब आपको भूख लगती है तो आप ऐसे कैसे रह सकते हैं, और तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने यह बताया कि उन्होंने फॉर्चुनेटली कहा सौभाग्य से मुझे अक्सर हेडक होता था, इसलिए एक पेन जो था वो दूसरे पेन को कैंसिल कर देता था। यानी कि हेडक भी रहता था और भूख भी लगा रहता था, तो जो एक पेन था वो दूसरे पेन को कैंसिल कर देता था, लुईस पाश्चर ने बताया। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 64 पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑन मीटिंग पाश्चर हैपेंड टू कॉल डॉक्टर ज्यूल गुरीन स्टूपिड एट हिज। गुरीन रश्ड एट हिम अदर इनवर्टेड एंड द मीटिंग वाज ब्रॉट टू अ क्लोज। गुरीन कैंसल्ड पाश्चर टू और ड्यूल सॉरी गुरीन चैलेंज्ड पाश्चर टू ड्यूल वाज
द ट्रेडिशन दोज डेज पास्टर सेड डॉक्टर यू नो माय बिजनेस इज टू हील एंड नॉट किल। तो एक मीटिंग के टाइम पास्टर ने डॉक्टर जूस गुएरिन को स्टूपिड कहा। गुएरिन जो थे उस पर उनको गुस्सा आया और वह उन पर टूट पड़े। अदर लोगों ने भी हस्तक्षेप किया और मीटिंग में उन्हें लाया गया। एक खुराक गुरिन ने पास्टर को द्वंद युद्ध के लिए चुनौती दी, जैसा कि उन दिनों का ट्रेडिशन था। पास्टर ने कहा, डॉक्टर आप जानते हैं मेरा बिजनेस हील है, मेरा बिजनेस चंगा है। हील मीन्स होता है चंगा, नॉट एंड नॉट किल। मेरा बिजनेस चंगा है और इसे मारा नहीं जा सकता है। हाउ डिवोटेड ही वाज टू हिज वर्क प्रूव्ड ऑन हिज वेडिंग डे। All arrangement for the wedding had been made, but the bridegroom was missing. His bride and other family members were chewing off their nails in panic when he did not show up for a long time. The pastor shouted, "Where on earth is that young chemist?" वह अपने वर्क के लिए कितना डिवोटेड थे, वह अपने वर्क के लिए कितना डिवोटेड थे, यह प्रूव्ड हुआ उनकी वेडिंग के दिन। उनकी वेडिंग के दिन यह प्रूव्ड हो गया कि वह अपने वर्क के लिए कितना डिवोटेड थे। उनकी वेडिंग के दिन सारी अरेंजमेंट की गई थी, बट ब्रिडग्रूम जो था वो मिसिंग था, यानी कि जो दूल्हा था वही मिसिंग था, दूल्हा ही नहीं था। उनकी ब्राइड यानी कि उनकी दुल्हन, फैमिली के अदर मेम्बर पैनिक होके अपने नेल्स को चीविंग कर रहे थे जब वह बहुत देर तक नहीं दिखे। तो पश्चर ने चिल्लाया, अर्थ पर और कहाँ, मैं अर्थ पर हूँ, धरती पर हूँ और कहाँ, क्या वह यंग केमिस्ट है? इसलिए जो वो थे लुइस पश्चर जो थे वो यंग केमिस्ट थे। अफ्रेड ऑफ हिज थॉट वेयर इज कुड ही बी देन हिज लेबोरेटरी, सो ही हुरीड टू हिज लेबोरेटरी टू फाइंड डैट ही वाज बिजी ऑन सम एक्सपेरिमेंट। और इसलिए उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में यह पता लगाने के लिए जल्दबाजी की थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट में वो क्या थे, बिजी थे। उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि वे अपने लेबोरेटरी में कुछ पता लगा रहे होंगे और इसीलिए वो क्या है, एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं। द फ्रेंड शाउटेड टू ड्रॉ हिज अटेंशन, डिड यू फॉरगेट योर वेडिंग। उनके फ्रेंड्स ने चिल्लाया, क्या आप अपना वेडिंग भूल गए हैं? ओ नो, उन्होंने कहा, अरे नहीं, रिप्लाइड पास्टर। पास्टर ने कहा, ओ नो, बट डू यू एक्सेप्ट मी टू क्वाइट इन द मिडिल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन उन्होंने कहा कि पास्टर ने कहा, लेकिन मुझे आप मुझे एक एक्सपेरिमेंट के बीच में छोड़ने की उम्मीद करते हैं, क्या मैं एक एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं। व्हेन पास्टर वाज डूइंग हिज इन्वेस्टिगेशन इन द सिल्वर एपिडेमिक ऑन रिक्वेस्ट बाय द गवर्नमेंट, थ्री ऑफ हिज चिल्ड्रेन डाइड इन सक्सीजन। और वो जो लुइस पाश्चर थे, जब लुइस पाश्चर गवर्नमेंट के इन्वेस्टिगेशन पर स्किल वर्म की महामारी में अपनी जांच कर रहे थे कि उस टाइम थ्री फ्रेंड्स जो थे, थ्री चिल्ड्रन जो थे वो क्या, उनकी डेथ हो गई थी, तो उसी पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सिल्क वर्म एकेडमिक के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अ फ्रेंड रिमार्क टू प्रिसिस्ट विथ योर वर्क अंडर सच कंडीशन मस्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ करेज। और उनके एक फ्रेंड ने कहा, बने रहने के लिए ऐसी कंडीशन में अपने काम के साथ बहुत करेज, साहस की आवश्यकता होती है। करेज मीन्स होता है साहस। तो उनके एक फ्रेंड ने कहा कि ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा करेज की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा साहस की आवश्यकता होती है। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 65 पे। I don't know much about courage, but replied pastor, I don't know my duty. मैं courage के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, but pastor ने कहा, मैं अपना duty जानता हूँ। The most dramatic episode in pastor's life came when he was doing his experiment against
द डिजीज ऑफ रेबीज। लुईस पाश्चर के लाइफ में सबसे ड्रामेटिक एपिसोड तब आया जब वह रेबीज की बीमारी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन दिस ही यूज टू मेक मैड डॉग टू बाइट हेल्थी रैबिट्स एंड देन ही यूज टू ट्रीट द रैबिट्स। वह इसमें वह जानते थे मैड डॉग को हेल्थी एंड फिर वह रैबिट का इलाज करते थे। एक पहले वह देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन दिस यूज मेक मैड डॉग्स, इसमें उन्होंने मैड डॉग को लिया था बाइट हेल्थी रैबिट्स और वह किसको बाइट करता था हेल्थी रैबिट्स को। देन ही यूज ट्रीट द रैबिट्स और वो फिर क्या करते थे उस रैबिट का ट्रीटमेंट करते थे। ऑन वन ओकेजन अ लार्ज फ्रोशियस बुलडॉग डिड नॉट कंप्लाई इवन आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स एट हिज पाश्चर कंसोल्ड डैट इट वुड बी नेसेसरी टू सक द सलाइवा आउट ऑफ द डॉग माउथ्स एंड देन इंजेक्ट इन टू द रैबिट। हिज असिस्टेंट टाइड द डॉग सिक्योरली। और फिर एक ओकेजन पर एक बड़े बुलडॉग पे कई एक्सपेरिमेंट के बाद भी अनुपालन नहीं किया गया। इस पर पाश्चर ने कंसर्न निकाला कि डॉग के सलाइवा को बाहर निकालना आवश्यक होगा और फिर इसे रैबिट के माउथ में इंजेक्ट करना होगा। उनके असिस्टेंट ने डॉग को सिक्योरली बांध दिया एंड देन पाश्चर हेल्ड अ ग्लास ट्यूब इन माउथ बेंट क्लोज टू द जॉ ऑफ द एनिमल। ही न्यू इट वेल डैट इवन अ टीनी ड्रॉप्स ऑफ द डेडली फ्लूइड वॉज इनफ टू किल हिम। स्टील ही सक्ड इनटू हिज ट्यूब व्हेन ही थॉट डैट ही हैड पुल्ड आउट सफिशियंट अमाउंट। ही टर्न्ड टू हिज असिस्टेंट्स एंड सैट इन अ कूल वॉइस वेल जेंटलमैन वी कैन नाउ प्रोसीड विथ द एक्सपेरिमेंट। और फिर उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने डॉग को सिक्योरली बांध दिया और फिर पाश्चर ने अपने माउथ में एक ग्लास ट्यूब रखी जो एनिमल के जॉ मतलब होता है जबड़ा, यानी कि एनिमल जो था डॉग जो था उसके जॉ के करीब मुड़ा हुआ था, बेंट था। वह अच्छी तरह जानते थे कि डेड फ्लूइड सबस्टेंस की एक टीनी ड्रॉप भी था और उसे मारने के लिए इनफ है। फिर भी उसने ट्यूब में सब किया। जब उसने सोचा कि उनसे इनफ अमाउंट निकली है तो उन्होंने अपने असिस्टेंस की ओर टर्न किया और कूल वॉइस में कहा अच्छा जेंटलमैन हम अब एक्सपेरिमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एट द एज ऑफ 47 ही सफर्ड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस बट ही कंटिन्यूड टू वर्क अंटिल हिज हेल्थ ब्रोकन डाउन कंप्लीटली। ही बिलीव्ड डैट वैल्यू वर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ द गेव मीनिंग टू हिज वर्क। और वह जब 47 वर्ष की एज में थे 47 वर्ष की एज में उन्हें पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा, पैरालिसिस हो गया जिसके कारण उन्होंने जब जिसके कारण उनका जो हेल्थ था वो डाउन हो गया और वह तब तक काम करना जारी रखे उन्होंने तब तक काम करना जारी रखा जब तक कि उनका हेल्थ पूरी तरह से डाउन नहीं हो गया। उनका मानना था कि जीवन में वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने अपने वर्क को मीनिंग दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वर्क करता रहूँगा। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक वर्क को किया जब तक कि उनका पूरा हेल्थ डाउन नहीं हो गया। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे और लुईस पाश्चर के बारे में और अधिक पढ़ेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। आज की आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।